हमारा सर नहीं नीलेश नॉन स्ट्राइक हैंड पर है सेलेक्टर वापस आ रहा है जी तो पहली गेंद पर आक्रमण जरूर किया गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ अंपायर का इशारा कन्वर्ट होता हुआ चार रनों के लिए इस चार रन के साथ आगाज बल्लेबाज नीलेश ने पहली गेंद पर अटैक कर जरूर देखने मिला क्योंकि और भी गेंद थी गेंद में कट थोड़ा सा कम नजर आया और उसका फायदा यहां पर बल्लेबाज ने जरूर यहां पर उठाया इस बार देखिए तेज सरार गेंद थी इस वक्त गेंद को फील्ड नहीं कर पाए कीपर माया और ये गेंद पर सोने पे सुहागा एक के साथ एक फ्री यानी वाइट के साथ 22 फ्री रनों की रन संख्या में बढ़त स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर 6 गेंदें हो चुकी हैं इस क्षेत्र की काफी नामी ग्रामी टीम हर सैटरडे संडे की ट्रॉफी अपने नाम करने वाली टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई भावेश 11 वर्तक नगर लेकिन इनका मुकाबला है एरोली की जानी मानी टीम एक डेंजर टीम के रूप में जिन्हें पहचाना जाता है एरोली इस बार देखिए किया प्रहार गेंदबाज ने अटैक जरूर किया गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन मैंने पहले कहा ये दोनों ही अलग अलग क्षेत्र से आए हैं भले से लेकिन दोनों के पास में जो क्षमता है जो बैटिंग ऑर्डर है बैटिंग लाइनअप है वो काफी स्ट्रॉन्ग है दो गेंदों पर 12 रन अब तक के खर्च कर चुके हैं सागर काफी महंगा ओवर इस वक्त जरूर देखने मिलता हुआ पहली गेंद पे 4 रन उसके बाद व्हाइट के साथ 22 फ्री और इस वक्त खड़े खड़े 6 रन यहां पर चढ़ दिए बल्लेबाज नीलेश अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन नीलेश के माध्यम से फील्डिंग को यहां पर सजाया और सवारा जरूर जाएगा देखने वाली बात यह है पावर प्ले का बंधन जारी है दो खिलाड़ी सरहद के बाहर तैनात किए गए हैं एक लॉन्ग ऑन इस क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है फिर से एक बार सागर सच्चे होते हुए सामना करने के लिए तैयार है नीलेश की अगर बात करें तो बढ़िया कीपर के साथ साथ एक बेहतरीन बैट्समैन भी इस वक्त नजर आते हुए क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं इसी बीच अगली गेंद इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी गति ज्यादा थी बल्लेबाज जब तक के स्विंग करते बैट को गेंद जरूर बैट का मोटा सिरा लेकर डिक्लेयर जोन की तरफ परिवर्तित होती हुई इस एक रन के साथ रनों की जो रन संख्या है उसमें से थोड़ी सी बढ़त इस वक्त देखने मिलती हुई स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 13 रनों पर स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन लेकर 13 रन स्कोर बोर्ड पर इस वक्त नजर आता हुआ सामना करने के लिए तैयार फिर से एक बार गेंदबाज का सागर का नीलेश इस बार शॉर्टपिच गेंद थी मिस टाइमिंग सो गेंद काफी समय तक क्या हुआ में और वंडर बॉय राहुल जो कि इस क्षेत्र के माने जाते हैं उन्होंने इस कैच को लपका और एक बेहतरीन विकेट इस वक्त जरूर गिरा है दोन शब्द ऐकले तू गप बसशील तेव्हाच ना ते फोन कर का मेडला कॅमेरा आजूबाजूला कोणी पाहिजे नाही दुष्ट माणसं बिल्कुल विकेट का बदल हुआ है लेकिन रनों की जो बारिश कर कर गए हैं बल्लेबाज नीलेश वो रही लाजवाब 11 रन बनाकर आउट हुए गेंदों का सामना किया 4 और 11 रन की छोटी सी पारी लेकिन सजी हुई पारी खेलकर इस वक्त पवेलियन की राह लौट चुके हैं नीलेश की कमी पूरी करने के लिए
न्यू बैट्समैन को यहां पर भेजा गया है, नए बल्लेबाज आए हैं यार, बिंदास मियाओ कर विकास अच्छी गेंद थी, एक रन के लिए जरूर दौड़ लगी, एक रन यहां पर जरूर पूरा किया गया, एक रन के साथ रनों की जो रन संख्या है उसमें प्रहार करने की कोशिश की, मिड विकेट के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सागर डबल माइंड हो गए कि थ्रो करे कहां, मॉन्स्टर गेंद पर या फिर कीपर क्या दास्तानों में ओवर की हुई समाप्ति, इसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, दो रन यहां पर पूरे किए, दो रन के साथ ओवर हुआ है समाप्त, एक विकेट के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी गलती हुई, आई एकवीरा एरोली की टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन एक विकेट के नुकसान के बाद, गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त गेंदबाज भरत मेहर, एक बड़ा नाम एक बड़ा सितारा इस वक्त विकेटों के बीच में गेंदबाजी की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेता हुआ सामना करने के लिए तैयार होंगे जीतू, जो कि इस टीम के कैप्टन हैं, इस टीम के सेनापति हैं और इस टीम के कर्ता धर्ता कहा जा सकता है इन्हें, इस वक्त सेनापति किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा ये देखने वाली बात जरूरी, थाना क्षेत्र हो या महाराष्ट्र क्षेत्र हो, 40 प्लस हो या फिर ओरम टेनिस क्रिकेट में अपने नाम का जिनके पास किताब है वो गेंदबाज गेंदबाज की कमान पर, लेग बाइज का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, भरत मेहर एक बड़ा नाम एक बड़े सितारे के रूप में जाने जाते हैं, लेजेंड क्रिकेटर के रूप में इनकी छवि है और बिल्कुल लेदर क्रिकेट टेनिस क्रिकेट रबड़ क्रिकेट तीनों ही फॉर्मेट में अपने गेंदबाजी का जौहर दर्शाने वाले गेंदबाज, इस बार ये गेंद दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद काफी बड़ा टर्न यहां पर देखने मिलता हुआ और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, इस डॉट डिलीवरी के साथ अच्छा रिकवर करने की कोशिश भरत मेहर, इस बार तेज तर्रार गेंद करने की चाहत, गेंद जाती हुई लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर कन्वर्ट होता हुआ, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे जो बैनर्स लगे हैं उन पर गेंद टकरा कर आती है तो आपको दौड़ कर अगर गेंद वही प्रेम का प्रेम है या फिर पार हो जाता है नेट के तो डिक्लेयर घोषित करेंगे हमारे अंपायर्स, अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार भरत, इस बार देखिए बैट और बॉल की फिर से एक बार नाराजगी देखने मिली, ऐसे ही नहीं लेजेंड बने हैं ये चीज को प्रूफ कर रहे हैं, वो अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं और बिल्कुल लेजेंड का खिताब ऐसे ही नहीं मिला है ये चीज को ये दर्शाते हैं, क्या लाजवाब गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी देखने मिलती है, इस बार आने वाले से खेलने का प्रयास, स्ट्राइक जरूर रोटेट हुई है, एक रन दौड़कर पूरा किया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 19 रनों पर दर्शाता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त 19 रनों पर दर्शाता हुआ, अच्छी सूझ कुछ भरी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी भरत मेहर के माध्यम से देखने मिलती हुई, इस बार जीतू बड़ा हिट लगाने की चाहत, आड़े बल्ले का यहाँ पर स्ट्रोक जड़ना चाह रहे थे आड़े बल्ले से लेकिन गेंद और बॉल की मुलाकात नहीं, गेंद डॉट के रूप में, वन टू गो, इस बार टॉप एज गेंद परिवर्तित होती हुई इंग्लैंड जोन की तरफ लगी हुई है समाप्ति और लगभग दो ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर आते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 20 रन, 4 रन खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ चार रन खर्च कर अपनी टीम को एक अच्छे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया गेंदबाज भरत मेहर, भले से एक विकेट नहीं लिया हो लेकिन रनों के ऊपर जो लगाम होती है उसे लगाने में सक्षम इस वक्त गेंदबाज भरत मेहर, गेंदबाज आए हैं किरण
गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए ड्रॉप हो चल रहा है। परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला ये खिलाड़ी इस क्षेत्र में तीन प्रतियोगिता हो चुकी है और तीन प्रतियोगिता में एक प्रतियोगिता में बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी अपने नाम करने वाला गेंदबाज किरण गेंदबाजी की कमान पर। इसी बीच ये इस बार ये अच्छी गेंद रही, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में टॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई गेंद भावेश पैकर वर्तक नगर की ये टीम नजर आती हुई। इस बार देखिए जोरदार अपील, यस अंपायर का इशारा यहां पर कुछ कन्वर्ट होता हुआ, हिट विकेट के रूप में विकेट जरूर गिरा है। यस बैकफुट पर चले गए थे, कदमों को संभाल नहीं पाए और विकेट के फर्नीचर यहां पर पैरों से ही तहस नहस कर दिया, उसके कारण विकेट यहां पर गिरता हुआ विकास का। तो बिल्कुल इस वक्त हम देख रहे हैं आईएपीरा एरुली वर्सेस मालूम यहां पर मुकाबला जारी है। भावेश पैकर वर्तक नगर, भावेश पैकर की अगर बात करें तो बिल्कुल विलास पाटिल साहब की टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई। विलास पाटिल साहब के बारे में अगर कहा जाए तो टीपीएल के जो स्पॉन्सर हैं ये उनकी टीम है, जो ठाणे प्रीमियर लीग स्पॉन्सरशिप देते हैं ये उनकी टीम इस वक्त परफॉर्मेंस विकटों के बीच में करती हुई। और यहाँ पर वो मेरे ख्याल से आ भी चुके हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि विलास सर अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो प्लीज आइए, मंच की शोभा आपको बढ़ानी है। वेलकम, सुस्वागत। तो बिल्कुल गेंदबाज किरण, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, दो गेंदों में एक विकेट हिट विकेट के रूप में मिला है। जरूर नए बल्लेबाज आए हैं जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रीतम पाटे। प्रीतम पाटिल एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, अच्छी बल्लेबाजी की चाहत लेकर उतरे हैं इस क्षेत्र में, मेरे ख्याल से पहली बार एरोली टीम परफॉर्मेंस कर रही है। बहुत साल के बाद में इस सीजन की अगर बात करें तो पहली बार 2020 में परफॉर्मेंस करने आई है। इसी बीच ये पहली गेंद पैरों पे डाली गई गेंद थी, फुल लेंथ डिलीवरी थी, टॉकल में गेंद को जरूर किया था, एक रन यहाँ पर मिलेगा जरूर, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता वो। वेलकम विलास पाटिल सर, टीपीएल स्पॉन्सर और इस टीम के कर्ता धर्ता भावेश पैकर्स वर्तक नगर। भावेश की अगर बात करें तो विलास सर पाटिल साहब के जो साहबजादे हैं उनके नाम से ये टीम परफॉर्मेंस करती है, तो आइए बैठिए, विराजमान हुई है सर। आपका राजू भाई स्पोर्ट्स में हार्दिक स्वागत है। राजू भाई स्पोर्ट्स प्रेजेंट है राजू भाई चशक, 2020 में आपका मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। इस बार देखिए गेंद पर किया है प्रहार, गेंद आती भी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, कंजूसी भरी गेंदबाजी किसके पास है? यस सर, वर्तक नगर टीम के पास है। पहली ओवर में भले से सागर जो कि अभी अभी टीम इन्होंने ज्वाइन की है, दो से तीन टूर्नामेंट इन्होंने खेले हैं, रवि की कमी जरूर, रवि भूमक जैसे गेंदबाज की कमी जरूर होगी इस टीम को, लेकिन उसकी कमी पूरी करने के लिए सागर को लाया गया, लेकिन सागर ने कुछ रन खर्च किए। इस बार देखिए टॉप एज गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 23 रन हो चुके हैं और पहली ओवर में 16 रन, उसके बाद दूसरी ओवर देखिए भरत मेर आए जो कि ओल्ड इज गोल्ड रहे, 4 रन खर्च किए। और यहां पर अगर बात करें तो अब तक की गेंदबाजी में किरण ने महज खर्च किए हैं 3 रन 5 गेंदों में, अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ यहां पर देखने जरूर मिलती हुई। बिल्कुल अगर बॉल फूट जाता है, नियम मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, अगर स्ट्रोक का करते हो और बॉल फूट जाता है तो उस स्ट्रोक पर जितने रन भी होंगे या फिर बॉल फूटे हुए बॉल से विकेट भी गिर जाती है तो बॉल काउंट होगा, जो होगा वही काउंट किया जाएगा। स्कोर 23 रनों पर दर्शाता हुआ इस बीच अगली गेंद,
इस बार देखिए प्रहार किया सर, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर सूरज मौजूद, थ्रो बहुत ही बढ़िया, और देखिए रनआउट के रूप में विकेट का बता यहां पर जरूर गिरता हो, क्या बेहतरीन थ्रो था। सूरज की अगर बात करें तो इस टीम की दिल और जान इन्हें माना जाता है, और इनके पास गेंदबाजी के साथ साथ जो वैरायटी है, थ्रो हो या फिर टॉस का लक, इनके पास जरूर मौजूद है। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग विकेटें इस वक्त जा चुकी हैं, वो है दो विकेटों के नुकसान के बाद स्कोर 24 रनों पर दर्शाता हुआ। टिंग टिंग हिटर ट्रैक टिंग टिंग न्यू बैट्समैन है श्री लगते कॅन्टीन मध्ये मी केलंच नाही बोलतो, तेच केलं बघतो गेले। अभी भी अनशीष गेंदबाजी की कमान पर आए हैं, जिस वक्त सूरज एक बड़ा नाम इन्हें भी कहा जाता है, ओमकार देसाई की जो टीम है सैंडी एसपी दादर, उस टीम की ओर से ये परफॉर्मेंस करते हैं, गेंदबाजी करते हैं ओपन टीम में। उसी तरीके से घरेलू टीम की अगर बात करें तो ये परफॉर्मेंस करते हैं भवेश पैकर्स वोर तक नगर। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां पर प्रशांत मौजूद, गेंद को किया शांत और थ्रो किया, लेकिन बल्लेबाज दो रन दौड़कर पूरा करते हुए। जिस तरीके से आगाज किया था एरोली की टीम ने, ऐसा लगा था कि 50 रन के ऊपर ये टारगेट को सेट जरूर करेंगी, लेकिन अब तक के यहाँ पर जो दो ओवर गिरी भरत मेहर और किरण की वो रही लाजवाब। चार रन का भरत मेहर ने ओवर किया, चार रन का किरण ने ओवर किया, जिसमें किरण ने एक विकेट अपने नाम जरूर किया था। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार देखिए गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, जो तेज गेंद जरूर की थी, और यहाँ पर इस गेंद पर एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर खसकता हुआ जा पहुंचा है इस वक्त 27 रनों पर। चौथी ओवर प्रगति पथ पर है, चौथा ओवर जारी है, चौथे ओवर की अब तक के गेंदें दो हो चुकी हैं, चार गेंदें अभी भी आना बाकी हैं। इसके बाद का मुकाबला विनिंग टीम वर्सेस खेला जाएगा सुनील स्पोर्ट्स वाकवी विनिंग के साथ। वाकवी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेडी पोजीशन में रहिएगा। चलिए चार गेंदों का खेल इस इनिंग का अभी भी बाकी है, चार गेंदें आना अभी भी शेष है, सामना करने के लिए तैयार होते हुए बल्लेबाज है। इस बार देखिए प्रहार किया, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार किया, गेंद को आउट ऑफ द पार्क मिड विकेट के क्षेत्र में किया और गेंद को 6 रनों के लिए फरार किया। व्हाट अ हिट, क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, जानदार स्ट्रोक और दमदार स्ट्रोक निकलता हुआ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन प्रीतम के बल्ले से। स्कोर 33 रनों पर कन्वर्ट होता हुआ, बिल्कुल इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ये तीसरी प्रतियोगिता इस सीजन की चलती हुई, लेकिन सीजन की अगर बात करें तो 3 टूर्नामेंट हो चुकी है, जिसमें से पहली टूर्नामेंट चैंपियन रह चुकी टीम पर प्रहार जारी है। गेंद है इस वक्त हवा में और ये बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया तरीके से विकास ने गेंद को फील्ड किया, जहां पर मोहर लगी थी 6 रन की, वहां पर उस मोहर को पोंछने में वो सक्षम और कामयाब रहे। डिफिकल्ट कैच जरूर था, लेकिन यहां पर तारीफ करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की, अटैक कर रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं, यही कहा जा सकता है। इस ओवर की अगर रचना निकाली जाए, व्यूहरचना की जाए, तो अब तक के 11 रन खर्च कर चुके हैं चार गेंदों में। सूरज को यहां पर टारगेट बनाने की कोशिश जरूर की है बैट्समैन ने, अब देखना यह है कि बची हुई दो गेंदों पर किस तरीके का प्रहार करेंगे। इस वक्त एक सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया है, भरत मेहर जो कि इस फील्डिंग को सेट करते हुए खुद खड़े हैं। इसी बीच ये गेंद देखिए, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद ट्रेवल होती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ
एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 36 रनों पर, 36 रन, 4 ओवरों का ये मुकाबला। जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी और सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल के साथ वो दो दो हाथ करती हुई नजर आएगी। आज के मूल की अगर बात करें तो काफी बेहतरीन टीमों ने इस टूर्नामेंट में आज के दिन पार्ट किया था और वो थी प्रमाण स्पोर्ट्स भाव्या 11 के साथ पहला मुकाबला देखने मिला। रुका भाव MCC वर्सेज कुणाल सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल के बीच मैच देखने मिला था। मैच बहुत रोमांचक मोड़ तक के पहुंचे सबके सब। इस बार प्रहार जरूर है और यहाँ देखिए ये गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। सज्जी की गलती टीम को महंगी पड़ती हुई, हवा में डाई लगाकर गेंद को अंदर की तरफ फेंक रहे थे ना कि कैच कर रहे थे। कैच की कोशिश करते तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन चलिए स्ट्रोक लगा है, रन आए हैं 6 और इस 6 रन से